जमकर सियासत हो रही है। एक तरफ है अयोध्या के राजा जिन्हें कहते हुए थकते नहीं है अखिलेश यादव यानी कि सांसद अवधेश प्रताप, और दूसरी तरफ है संजय निषाद। अब इस पूरे मामले पर दोनों क्या आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं देखिए। जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनोसेंट को फंसाया ना जाए और इसको और अच्छा आने के लिए डीएनए टेस्ट। समाजवादी पार्टी के नेता पैरवी कर रहे हैं, उसके लिए पैरवी करके उसको बचाना चाहते रहे और मुंह नहीं खोल रहे हैं, पीड़िता से कोई मिलने नहीं जा रहा है। आज के दिन में क्या मजबूरी है समाजवादी पार्टी की जो मुंह नहीं खोल पा रही? मुंह खोली भी तो कह रही डीएनए टेस्ट करा लीजिए, देना चाहिए था तब कार्रवाई होनी चाहिए थी। और आपको बता दें कि अयोध्या आरोप केस में जो आरोपी है वो तो गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में सियासत भी लगातार हो रही है। एक तरफ अखिलेश यादव जिसको राजा कहते हुए नहीं थकते थे, वही राजा अब अपने संसदीय क्षेत्र से नदारद है, ना तो कुछ जवाब दिया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से भी। इसी कड़ी में आपको बता दें बीजेपी का जो डेलीगेशन है आज वो अयोध्या जाने वाला है, लेकिन चुनाव में जिताकर जिन्हें संसद पहुंचाया वो आखिरकार क्यों नदारद हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा, अयोध्या। सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद को स्वयंभू राजा घोषित तो कर दिया, लेकिन लगता है इस राजा को अपनी प्रजा की चिंता ही नहीं है। जिस फैजाबाद में जीत के बाद समाजवादी पार्टी के साथ ही पूरा इंडी गठबंधन नैरेटिव गढ़ने में जुटा था कि अयोध्या आंदोलन की हार हो गई है, उसी अयोध्या के वासियों की सुध लेने वाला अब कोई नहीं है। अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आए 5 दिन से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन राजा साहब अब तक पीड़िता के घर नहीं पहुँचे। चुनाव में जिन वोटरों के घर घर जाकर सिर झुकाते नहीं थकते थे, अब उनको अपने हाल पर छोड़ दिया है। हाँ, इतना जरूर कह रहे हैं कि हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। पीड़िता के साथ हमारी पार्टी, हम लोग पूरी तरह से खड़े हैं, उसको न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह से खड़े हैं, उसमें कहीं शक शुबा के सवाल नहीं। समाजवादी पार्टी पूरी तरफ से उस पीड़िता के साथ, उस परिवार के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ी है। शायद अखिलेश के घोषित राजा साहब को ये नहीं पता कि सिर्फ कह देने से किसी का दर्द कम नहीं होता, और इसी अनदेखी को लेकर यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद इस्तीफा मांग रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिर समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में जीत कैसे और किसके दम पर हासिल की है। समाजवादी पार्टी को चाहिए कि ऐसे अपराधी को तुरंत पार्टी से निकालें और जो सांसद इनको संरक्षण देता है उसे इस्तीफा लें। तब तो पाते थे हमें अयोध्या ने जीता, कैसे जीते? इन्हीं अपराधियों के सहारे जीते। अपराधियों के साथ खड़ा रहने वाले व्यक्ति खुद अपराधी होते हैं। जो अखिलेश अपने राजा की वाहवाही करते नहीं थकते, उसी राजा पर आचार्य प्रमोद कृष्णम धिक्कार होने की बात कह रहे हैं। अखिलेश जी कहते थे कि अवधेश अयोध्या के राजा है। अखिलेश जी अवधेश जी को ले लेकर के सब जगह घूम रहे थे, संसद में अगली सीट दिलाई, धिक्कार है ऐसे अवधेश जी पर। राजा तो राजा, जब पीड़िता के न्याय की फरियाद अखिलेश यादव के कानों तक पहुंचती है तो समाजवादी पार्टी डीएनए टेस्ट कराने की बात कहने लगती है। लेकिन अखिलेश आरोपी मोहित खान का नाम तक नहीं लेते, तो सवाल है कि ऐसे क्या राज है जो समाजवादी पार्टी आरोपी के खिलाफ जाने का कोई रिस्क नहीं ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर एक बार फिर से हमला बोला है। केशव प्रसाद मौर्य लगातार अखिलेश को जवाब दे रहे हैं और अब वो अखिलेश को लेकर सीधे सीधे कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को अपने वोट बैंक की चिंता है। अखिलेश यादव को लेकर केशव प्रसाद मौर्य इसके पहले भी हमलावर रहे हैं और अब एक बार फिर वो कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को अपने वोट बैंक की चिंता है। पहले आप पीडीए को भूल गए, केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि पहले आप यानी अखिलेश पीडीए को भूल गए और आप हमारी चिंता मत करें। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि न्यायालय की बात करके गुमराह ना करें। केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश को लेकर कह रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है, रेप पीड़िता का अच्छे से इलाज हो, उन्होंने ये लिखा है, मामले पर कोर्ट स्वतः संज्ञान ले। अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं और पीड़िता के हर संभव सुरक्षित
सुरक्षा सुनिश्चित हो, ऐसे मामले का राजनीतिकरण का मंसूबा कामयाब ना हो, ये तमाम बातें अखिलेश यादव ने अपने एक्स पोस्ट पर लिखी हैं। उन्होंने कहा कि कोर्ट स्वतः संज्ञान ले, लेकिन उनके सांसद नहीं जाएंगे पीड़िता से मिलने, ये बात तो तय है। हालांकि वो पोस्ट करके जरूर कह रहे हैं कि पीड़िता की हर संभव सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित की जाए। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हम दो सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त, हमारे साथ दो सहयोगी राघवेंद्र हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं, इसके अलावा प्रगति भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले राघवेंद्र, आपके पास आते हुए इस पूरे मामले को लेकर भले ही अखिलेश यादव कुछ कहें, इधर से केशव प्रसाद मौर्य ने भी निशाना साधा, लेकिन कुल मिलाकर हो तो राजनीति रही है इस पूरे मामले को लेकर। समाजवादी पार्टी ट्वीट जरूर कर रही है, लेकिन सामने आकर कोई भी जवाब नहीं दे रहा कि आपने अपने नेता के खिलाफ कार्रवाई क्या की। देखिए, इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी जो है बहुत पीछे हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से अमानवीय ये मामला सामने आया है कि एक 12 साल की लड़की को कई महीनों से लगातार उसका रेप किया गया, वो प्रेग्नेंट होती है, उसके बाद भी 2-3 हज़ार रुपये दे के इसको दबाने की कोशिश की जा रही थी। जब अवधेश प्रसाद से दिल्ली में, यानी अयोध्या के जो सांसद हैं, जबकि उस व्यक्ति से उनका अच्छा रिश्ता भी है, लेकिन जब दिल्ली में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं जानता नहीं हूँ, मैं पहुँचूँगा तो वहाँ फिर मैं करूँगा। अयोध्या वो नहीं पहुँचते हैं डर के मारा, वो सीधा लखनऊ आते हैं, और लखनऊ भी किसी सुरक्षित स्थान पर जाते हैं। कल मैं उनके घर पर गया था तो वहाँ से निकल गए थे अपने घर से, लखनऊ से वो मिले नहीं, और उनका अभी भी ये नहीं पता है कि वो आखिर लखनऊ में कहाँ पर हैं, किसके घर जाके छिपे हैं या रह रहे हैं, वो सीधा सीधा बोलना नहीं चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले में लीड लेने से भी पीछे हो गई, यानी सांत्वना देने में भी पीछे हो गई। अब क्या है, समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं वो डीएनए की बात कर रहे हैं और फोरेंसिक जांच की, सोचिए कितनी बड़ी बात है, यानी कि आप उन आरोपियों का पक्ष ले रहे हैं। भाई, डीएनए की स्थिति कब आती है, ये फोरेंसिक जांच की स्थिति कब आती है, जब मामला बहुत पेचीदा हो, कोई पकड़ में ना आए। यहां तो सीधा आरोपी हाथ में है और सीधा परिवार भी कह रहा है किसी ने किया है, इसको अंजाम दिया है, तो यहाँ फोरेंसिक की कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए थी, यहाँ पर किसी तरह की कोई डीएनए की चर्चा नहीं होनी चाहिए थी। सीधा सीधा मामला है, प्रत्यक्ष है, प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, फिर भी इस तरह की राजनीति हो रही है। वहीं पर अगर इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी ने इस मामले को उठाने की कोशिश की तो निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय निषाद ने, वो पहले भी 2 बार मुख्यमंत्री से मिले थे, वहां पर भी गए थे, कल फपक कर भी रो रहे थे। इसके बाद जब पीड़िता के राघवेंद्र वापस लौटेंगे आपके पास, प्रगति भी इस वक्त अयोध्या से जुड़ी है, लेकिन उससे पहले ओपी राजभर क्या कह रहे हैं इस मामले पर सुन लेते हैं। कतवर हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जहां तक सवाल वहाँ प्रतिनिधिमंडल जाने का है तो दुख की घड़ी में सबको जाना चाहिए। तो इसके साथ ही के अनुसार सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित होते हैं तो इसमें शामिल सरकारी अधिकारियों को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए।